यह वर्ष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं पुण्यतिथि का और ब्रह्मलीन महंत श्री वैद्यनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि का शुभ अवसर है और इस अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा का इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ यहाँ पर आयोजित किया गया है। श्रद्धालुजनों को और पूज्य महाराज जी के जो भी अनुयायी हैं उन सबके मन में इस वार्षिक कथा का अत्यंत इंतजार रहता है। आज से प्रारंभ होगी 13 सितंबर तक अश्विन कृष्ण तृतीया तक ये कथा नवरत यहाँ पर अपराह्न में 3 बजे से लेकर सायंकाल 6 बजे तक प्रतिदिन आयोजित होनी है। आज इसका शुभारंभ है। मैं सबसे पहले इस अवसर पर अपने कथा व्यास जी का और इस अवसर पर उपस्थित पूज्य संतों का हृदय की गहराइयों से उन सब का स्वागत करता हूँ, उन सब का अभिनंदन करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जीवन चरित्र हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए और पूरी मानवता के लिए एक दिग्दर्शन है, एक प्रेरणा है, एक प्रकाश है। उन्हें निरंतर आगे बढ़ने और विषम परिस्थितियों से जूझने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। और इसीलिए भारतीय मनीषा ने इस बात को माना है कि राम ही साक्षात धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम ही सब कुछ है। धर्म का कि व्याख्या क्या हो सकती है, इसमें मतभेद हो सकते हैं। धर्मस्य तत्त्वम् निहितम् गुहायाम्, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि महापुरुषों ने धर्म के जो लक्षण बताए हैं अगर वह कहीं पर हम सबको किसी एक मानवीय चरित्र में वे सब कुछ दृष्टिगोचर होते हैं तो वह पावन चरित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। और भगवान राम की एक कथा जिसने भी सुनी उसकी व्यथा तो दूर हुई, उसको इस भवसागर से मुक्ति का और जीवन में सफलता का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होता हुआ दिखाई दिया है। इस देशवासियों का सौभाग्य है और हम सब का सौभाग्य है कि हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद प्राप्त हो रहा होगा। एक सप्ताह तक निरंतर एक ज्ञान यज्ञ यहां पर चलेगा। जगत गुरु श्रीदाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से पूर्व में भी यहां पर इसी मंच से आपको कथा सुनने का आनंद प्राप्त हुआ था और इस वर्ष फिर यह सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। और ये हम सब की वर्तमान पीढ़ी का ये सौभाग्य है कि कथा श्रवण की ये परंपरा इस अवसर पर आप सबको प्राप्त हो रही है, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के पावन धाम में उनकी स्वयं की जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। युद्ध स्तर पर वह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। 500 वर्षों का इंतजार, कई पीढ़ियां चली गई, लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन ये सौभाग्य हम सबके भाग्य में लिखा था कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को हम लोग अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। ये विरासत के प्रति सम्मान का भाव है।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा अपनी विरासत के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक माध्यम है, और उसी कृतज्ञता के लिए प्रतिवर्ष गोरखपीठ अपने पूज्य आचार्यों की स्मृति में यहां पर इस पावन कथा का आयोजन भी आयोजित करता है। मैं इस अवसर पर आयोजन समिति को और सभी यजमान गणों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और विश्वास करूंगा कि अगले एक सप्ताह तक आयोजित होने वाले जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे उन सभी में आपकी सहभागिता भी होगी, और उनसे एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करके आप सब अपने पूर्वजों के प्रति भी, अपनी विरासत के प्रति भी कार्यक्रमों के माध्यम से, उससे प्राप्त प्रेरणा के माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से साधुवाद देता हूँ। आचार्य द्वय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, और अपने इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद जिन पूज्य संत के श्रीमुख से सुनने का आनंद हम सबको प्राप्त होगा, कथा व्यास के रूप में यहाँ पर विराजमान जगत गुरु रामानुजाचार्य, पूज्य संत श्रीधराचार्य जी महाराज और अन्य सभी पूज्य संतों का मैं एक बार फिर से यहाँ पर इस प्रांगण में आयोजन समिति की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।